होती है। कांग्रेस पार्टी आधे मन से क्यों चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस पार्टी आधे मन से क्यों चुनाव लड़ रही है? आप मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं सर, जनता को मुस्कुराना पड़ेगा ना, बताइए आधे मन से क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा रोना नहीं जानती, वो मुस्कुराना जानती है। क्या मुस्कुराना? इसलिए मुस्कुराना जानती है। वाह, आप मुस्कुराहट पर थोड़ा सा मान लीजिए, आप भी मुस्कुरा लीजिए, आपका भी स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। ये कांग्रेस की तरफ से शुभकामनाएं हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो और कोई प्रश्न है तो पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आधा मन से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, सवाल पूछा तो। हाँ बोलिए। अरे सर, आधा मन से चुनाव क्यों लड़ रही है कांग्रेस पार्टी? आधा मन से? हाँ। देखिए, सवाल आधा मन की नहीं है, बल्कि सवाल है, राहुल गांधी ने कितनी रैली की है? मैडम पहले पूछे तो मैं जवाब दे रहा हूँ। अब मन आधा की नहीं है। हाँ। किसी के शरीर में कोई आधा मन नहीं होता, पूरा मन होता है, उसी का नाम शरीर है। चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, पूरा मन से बना हुआ पूरा शरीर है। और कांग्रेस पूरा हिंदुस्तान में है। कांग्रेस के जो जितने सारे हिंदुस्तान के, ऐसा जगह नहीं जहां पर कांग्रेस नहीं है। कुछ देर तक पीछे हटी हुई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे भारतवर्ष में जाएगी। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ना तो हम लोग दल तंत्र में विश्वास करते हैं, बल्कि हम गणतंत्र में विश्वास करते हैं। आप जब से आई है तब से मैं आपको एक सवाल आप जो की, मैं उसका मैं जवाब दूंगा। क्योंकि मान लीजिए हम पूरे पश्चिम, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कैलाश जी, आज चुनाव के ये पांच चार दौर पूरे हो गए, इस बीच में राहुल गांधी कहां गायब हो गए? कहां छुट्टियां मना रहे? कहां हॉलीडे मना रहे? इससे भाई साहब सुन लीजिए, राहुल गांधी कहां छुप गए? आप मान लीजिए बीजेपी का सीबीआई हो सकते हैं, कांग्रेस का सीबीआई आप नहीं है, याद रख लीजिए। राजीव गांधी को हम लोग खोजेंगे, आप नहीं, पूरा हिंदुस्तान खोजेगी, आप जैसे बीजेपी नहीं। क्यों? क्योंकि बीजेपी तो खुद धृत राष्ट्र है, बीजेपी खुद धृत राष्ट्र है। अरे पूरे इंडिया से जब जितना जनता पूरे दिल्ली से बम्बई से पैदल मार्च करके 1200 किलोमीटर जब मान लीजिए अपने राज्य में आ रहे थे, तो क्या बीजेपी के नेता मोदी जी और सारथी जी वो क्या अंधा थे जो मान लीजिए रास्ते में दम तोड़ दिया गया? मेरा जो बच्चे बिना दूध का दम तोड़ दिया, पानी के प्यास के बिना दम तोड़ दिया? रुके रुके, मेरा सवाल ये है कि आप बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी को 24 घंटे के लिए बैन कर दिया गया या बीजेपी का साजिश है, तो आपको शायद पता होगा कि राहुल सिन्हा जी को 2 दिन के लिए बैन कर दिया गया, तो आपको क्या लगता है राहुल सिन्हा जी को भी वो ममता बनर्जी के पास में जाकर धरना करना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, धरना करना एक तो अधिकार है डेमोक्रेसी का, तो पहले ममता बनर्जी को बैन किया, किस लिए बैन किया? ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया और उसका बाद बैन किया। पहले तो राहुल सियान्यार सावंतन बसु को बैन करना चाहिए। ये तो हम लोग पहले भी देखे थे, ये हम लोग पहले भी देखे थे जब ममता बनर्जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी को भी बैन कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने सवाल पूछने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए, ममता जी सवाल पूछने दीजिए, आप बात बोलिए। जब ममता बनर्जी समता में नहीं थी तब भी हम लोग देखे थे, धरना की थी, बहुत ज्यादा धरना की थी, लेकिन फल हम लोग का सामने में है, फल नंदीग्राम में देख रहे हैं, हम लोग सिंगूर में देख रहे हैं, रिजल्ट जीरो है। और अभी देखिए, 2 तारीख को आप लोग जीरो हो जाएगा, हम आपको 2 तारीख को आप लोग जीरो हो जाएगा, बंगला का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनेगा, आप लोग जीरो हो जाएगा, बंगला का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रहेगा, बीजेपी नहीं रहेगा, जो भरत परसों को बिक्री कर दिया वो नहीं रहेगा। सर, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, जैसे पहले ममता बनर्जी फेल हुई थी, इस बार भी ममता बनर्जी फेल हो जाएगी। ममता बनर्जी कभी फेल नहीं होता, ममता बनर्जी कभी फेल नहीं होता। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बंगला का मुख्यमंत्री के प्रवक्ता से मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी धरना करने का अधिकार गणतांत्रिक अधिकार है, तो ये अधिकार दूसरे पार्टी से उन लोगों ने क्यों छीना? 10 साल से बीजेपी से, बीजेपी का अधिकार इन लोगों ने क्यों छीना? इससे हम सवाल करते हैं। और एक सवाल, आज जो लोग बोलते हैं उनका गणतांत्रिक अधिकार है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये नौटंकी कितने दिन चलेगी? वो लोग जो बोलते हैं कि कांग्रेस को यानी राहुल गांधी को दुनिया भर लोग खोजेगी, ढूंढेगी, लेकिन अगर दुनिया भर लोग अगर ढूंढता है तो केंद्र में कैसे बीजेपी आ गया?
ये तो आपको पता होनी चाहिए। दुनिया भर लोग ढूंढता है तो बस बीजेपी को ढूंढता है, नरेंद्र मोदी जैसा महत व्यक्ति को ढूंढता है, इसलिए केंद्र में अभी बीजेपी है, अभी रहेगा। भाई साहब आप सुन लीजिए बढ़िया से कि जिस तरह से बीजेपी आई है और पीछे वाली गली से बीजेपी भी चली जाएगी और सामने वाली दरवाजे से कांग्रेस जाएगी, याद रख लीजिए। 50 साल तक सो जाइए, बोल खा लीजिए, एक दिन आपको भी ये बोलना पड़ेगा। अरे केंद्र में तो आप लोग मान लीजिए सोए हुए हैं, अरे अब किस बात की, मान लीजिए करे पहले सोने की चिड़िया बनाने की बात तो कीजिए।